हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 8 की प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 3.2 करेंगे। ठीक है, 3.2 का क्वेश्चन 2 तक हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन 3 जो है वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन 3 आपका जो है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। इसने बोला है कि कोई पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब देखो, ये वाला हमने कल भी पढ़ा था, है ना। तो पैरेललोग्राम ये वाला होता है हमारा, ठीक है। इसने बोला है कि इसके टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का मतलब ये कि एक ही साइड पे बनने वाले दो एंगल, ये वाले दो एंगल एक ही साइड पे बन रहे, ठीक है। इस वाली साइड पे ये वाले दोनों एंगल बन रहे, यानी ये दोनों एडजेसेंट है, और ये वाले ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है। तो इसने बोला है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है इक्वल मेजर, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल एक ही है, मतलब ये जितना है उतना ही है, यानी कि ये मान लो एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स है, ठीक है। और ये दोनों भी एडजेसेंट है तो ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स। ये दोनों भी एडजेसेंट है तो ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। यानी कि चारों एंगल इक्वल है, इससे हमको ये तो पता चल गया। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसने बोला है कि हर एंगल जो है, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैं एक बार मान रही हूँ कि जो इक्वल एंगल है, दो इक्वल एंगल है, वो कितने डिग्री के, एक्स डिग्री के, ठीक है। तो देखो, मैंने मान लिया कि इक्वल एंगल्स कितने डिग्री के हैं, एक्स डिग्री के, ठीक है। तो वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि हमको पता है कि ये दोनों एंगल मिला के जो है कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि ये दोनों मिला के कितने होते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी एडजेसेंट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के, यानी ये भी एक्स डिग्री और ये भी एक्स डिग्री। तो एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री कितना हो गया टोटल, 180 डिग्री, ठीक है। एक्स एक्स कितना होता है, 2x इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 180 डिग्री, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आई है आपकी 90 डिग्री। कितनी आई है, 90 डिग्री, यानी कि हर एंगल जो है वो कितने कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 जो है वो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप घर पे खुद करेंगे, ठीक है। देखो, इसने समझा रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। इन द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, इसने बोला कि एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ठीक है। मान लो ये एक पैरेललोग्राम बना रही हूँ मैं इधर पी क्यू आर एस, ठीक है। फिर इसने बोला एंगल पी जो है 2x+10 है, यानी ये वाला, ठीक है, दे रखा है 2x+10 डिग्री। क्यू वाला जो है 3x+20 डिग्री, ये वाला 3x+20 डिग्री दे रखा है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि ये x जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो, ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अभी ऊपर जो पढ़ा था हमने, ये वाला ऐसे ही है, ठीक है। तो हमको पता है कि दोनों, इन दोनों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप वही लाइन लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 180 डिग्री, ये वाली जो लाइन लिखी है मैंने, है ना, ये वाली लिखेंगे। और फिर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एंगल यहाँ पे x प्लस एक्स किया, यहाँ पे एंगल p प्लस क्यू करेंगे इक्वल 180 डिग्री। फिर एंगल p की वैल्यू कितनी है, ये तो इसकी जगह पे नीचे एंगल p की वैल्यू लिख देना, इधर q की वैल्यू लिख देना, ठीक है। और फिर उनको सॉल्व करके आपको इसी तरीके से x की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो ये होमवर्क है, आप सेल्फ करेंगे, और फिर अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, तो फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी, ठीक है। बाकी ईजी हो जाना चाहिए। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, ये आपको दे रखा है कि इन फिगर एच ओ पी ई, एच ओ पी ई इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एंगल्स एक्स एंड एक्स वाई एंड जेड, आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, हमको ये वाला एंगल जो है, एच वाला जो एंगल पूरा नहीं देके आधा 40 डिग्री दिया है, और एक ये बाहर वाला एंगल 70 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हम इन दोनों की हेल्प से x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखना, पहले इस डायग्राम से ही समझना, है ना, लिखना मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है। पहले डायग्राम से समझना कि देखो, मैं एक बार अगर ये वाला एंगल फाइंड कर लूं इसकी हेल्प से, ठीक है। ये कैसे फाइंड करूंगी, देखो एक ही लाइन पे बनने वाला टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा 180 डिग्री है, और यहां से यहां तक 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 110 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 110 डिग्री। मैं एक बार पेंसिल से लिख के बता रही हूँ, ठीक है, ओरली करके बता रही हूँ। ये हो गया आपका 110 डिग्री, ठीक है। ये टोटल 180 हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि इस, ये एक पैरेललोग्राम है, अब हमको पता है कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल,
दोनों मिला के कितने होते हैं 180 के, कितने होते हैं 180 के। तो देखो ये 110 है और ये 40, टोटल कितना हो गया 150, तो ये हो गया और टोटल 180 होता है, मतलब ये बाकी बचा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। देखो आप ऐड करो 70 डिग्री है और 110 डिग्री है, टोटल हो गया 180 डिग्री, तो जेड की वैल्यू आ गई इससे हमारे पास, ठीक है। फिर अब देखो इनकी हेल्प से ही मैं दूसरे और फाइंड करूंगी। तो देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 70 डिग्री का, तो ये भी पूरा कितने का होगा, 70 डिग्री का पूरा है, लेकिन अपने को पूरे से कोई मतलब नहीं है, आपको पूरा 70 डिग्री है ये, लेकिन पूरा नहीं चाहिए आपको, ठीक है, आपको क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। तो अब देखो ये कैसे आएगा, देखो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ट्राइंगल के भी तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, यानी कि इसका, इसका और इसका, इन तीनों का टोटल 180 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 110 और 30, 140 तो ये हो गया, और आपको 180 बनाना है, मतलब y की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया 40 डिग्री, यानी y की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब देखो ये 70 है, तो ये भी कितना होगा, 70 होगा, यानी ये 40 है, तो इधर वाला कितना हो गया, 30 डिग्री, ये 30, ये 40, ठीक है। अब देखो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो ये 110 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने ओरली करके आपको समझा दिया, x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, z की आ गई, अब हम लिखेंगे कैसे वो समझा रही हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एंगल 1 ये वाला फाइंड किया, तो मैंने लिखा है एंगल 1, ये यहाँ 1 लिखा होता है, तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, तो मैं लिख दिया 180 डिग्री, रीजन क्या, लीनियर पे है, ठीक है। अब देखो एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, 70 को इस तरफ भेज दूंगी, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि आंसर कितना आ गया, 110 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू आई है 110 डिग्री, ठीक है। हमको एंगल 1 नहीं फाइंड करना, हमको फाइंड करना एक्स, वाई और जेड। तो देखो एंगल इससे हम x फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो देखो एंगल x जो होगा वो कितना होगा, 110 डिग्री, रीजन, रीजन आपको यहाँ लिखना है ऑपोजिट एंगल, क्या लिखना है, ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल x आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इन दो, इसकी और इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से आप क्या फाइंड करेंगे, z की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये 40 डिग्री, z और ये एंगल 1, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला 180 होता है, आपको ये लिखना है। तो देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, एंगल h, या फिर डायरेक्ट लिख दो 40 डिग्री प्लस एंगल z प्लस एंगल 1, ये तीनों मिला के कितने होते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है 110, तो यहाँ मैं पुट करूंगी 110, ठीक है, तो मैं इधर लिख रही हूँ, यहाँ पे इधर साइड में करूंगी, ठीक है। तो 40 डिग्री प्लस एंगल z प्लस 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे एंगल 1 की जगह 110 लिख दिया, अब एंगल z की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सबको उधर भेज दो, 110 और 110 और 40, 150, यानी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि एंगल z की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है 30 डिग्री, ठीक है। x हमारे पास आ गया, z आ गया, अब फाइंड करना है आपको y, ठीक है। तो y आप किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, z, 1 और ये y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखना, एंगल 1 प्लस एंगल y प्लस एंगल z, ये तीनों मिला के होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख देना, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल जो होता है वो क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी वही है। अब देखो एंगल 1 की वैल्यू है हमारे पास 110 डिग्री, y की वैल्यू है हमारे पास, y की फाइंड करनी है हमको, और z की वैल्यू है 30 डिग्री, z की यहाँ 30 डिग्री आई है, ठीक है, 180 डिग्री। अब देखो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप एंगल y 110 और
40 डिग्री यानी 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो आपका एंगल y जो आया वो कितना आ गया 40 डिग्री। तो हमारे पास तीनों आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वापस देखना वीडियो, समझ आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 6 है, द गिवन फिगर इज अ काइट TEAM, ये काइट दे रखी है। फाइंड द एंगल टी और ए, आपको एंगल टी और ए फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको देखो काइट की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि काइट में जो एंगल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि इनमें से अपोजिट एंगल जो है दोनों, जैसे कि ये वाला इसके अपोजिट है, ये वाला इसके अपोजिट है, तो या तो ये पेयर इक्वल होगा या फिर ये पेयर इक्वल होगा, दोनों में से एक पेयर इक्वल होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल का एक पेयर जो है फ्रॉम इसमें काइट में इक्वल होता है। तो अब देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो अलग अलग दे रखे हैं, ये 88 और ये 72, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, मतलब अब बचे वो दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि ये वाला जितने डिग्री का उतने डिग्री का ही ये है, ठीक है। तो आपको मैं मान लेती हूँ कि ये दोनों कितने डिग्री के हैं, एक्स के, ठीक है। मुझे अभी नहीं पता, मैंने माना है कि ये दोनों एक्स है, यानी ये भी एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। अब ये एक्स है, ये एक्स है, तो चारों एंगल का टोटल कितना होता है, 360, कितना होता है 360। तो अब हम इन चारों को ऐड करके 360 लिख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखना है, वी नो दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बी इक्वल, यानी कि अपोजिट एंगल का एक पेयर इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैंने लिख दिया एंगल एम और एंगल ई इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, इट मीन्स एंगल ए और एंगल टी इक्वल है, ठीक है। तो ये लिखा एंगल ए इक्वल है एंगल टी के, तो मैंने मान लिया लेट एंगल ए एंगल टी एक्स डिग्री है, ठीक है। तो जो मैंने बोला है वही मैंने लिखा, लिखना इस तरीके से, ठीक है। अब देखो चारों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एक्स डिग्री प्लस 360 डिग्री होता है, चारों का टोटल कितना होता है 360, ठीक है। तो एक्स डिग्री प्लस 88 डिग्री प्लस 72 डिग्री, यानी ये तीनों चारों मिला के कितने होंगे 360 डिग्री के, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 360 डिग्री। अब आप क्या करो, एक्स एक्स कितना हो गया 2x डिग्री, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 2 और 8 10 कैरी 1 और 160 डिग्री, ठीक है, इक्वल 360 डिग्री, 2x डिग्री। अब ये 160 उधर भेज दो, 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आएगा, 200 डिग्री, ठीक है, 2x डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया 200 में, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 100 डिग्री, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 100 डिग्री, यानी एंगल A भी 100 डिग्री का और एंगल T भी कितना है, 100 डिग्री का। तो यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख रही हूँ मैं ना, एंगल A इक्वल 100 डिग्री और एंगल T इक्वल कितना है, 100 डिग्री, यानी कि दोनों, ये मैंने लिखा है आपको दिखा नहीं हो तो, एंगल ए जो है वो भी 100 डिग्री और एंगल टी है वो भी कितना है, 100 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 100 डिग्री है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और सॉल्व करना है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।